संजू बाबा गुड आफ्टरनून ज्योति वेंकटेश हाय ज्योति अभी। कंग्रेट्स बिकॉज मेरे ख्याल से आफ्टर साहब हु मेड याद एज अ फर्स्ट एवर वन एक्टर फिल्म यू हैव द क्रेडिट ऑफ मेकिंग ए मराठी फिल्म विद इन सिक्सटी डेज ऑफ इट्स अनाउंसमेंट ये आइडिया कैसे आया ये ज्योति ये सब क्रेडिट यहाँ जो बगल में बैठे हैं ये इनको दिया जाता है बिकॉज रियली इन्होंने और इनकी टीम ने बहुत मेहनत की है फ्रॉम अभिजीत टू संदीप भार्गव एन नताशा एंड एवरी बॉडी फ्रॉम संजय द प्रोडक्शन साइड सो आई थिंक दैट क्वेश्चन शुड बी आस्क टू अ रवि फ्रॉम ए बी पी न्यूज़ सर रॉकी से लेकर अब तक आपका करियर जो है uh, काफ़ी ग्लोरियस रहा है आपने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं और बहुत कामयाब करियर रहा है लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पे आप आगे जाके हिंदी सिनेमा में किस तरह के रोल चुनना चाहते हैं किस तरह के रोल करना चाहते हैं ये जो इनिंग्स आप खेल रहे हैं और क्या आप आगे जाकर मराठी सिनेमा में भी नजर आएंगे कभी क्योंकि कुछ ऐसे सितारे हैं हिंदी के जिन्होंने अभी अभी हाल ही में मराठी की फिल्में की हैं जिनमें माधुरी दीक्षित का नाम भी है उन्होंने एक फिल्म अभी की थी तो क्या इस तरह का कोई इरादा है आपका कि आप भी काम करेंगे भैया सबसे पहले उम्र के हिसाब से का मतलब क्या है नहीं नहीं, नहीं दाढ़ी थोड़ी सफ़ेद हो गई क्योंकि कलोन लगाता था, था शेविंग के बाद में <laughs> नहीं लेकिन आ, सही कहा आपने कि मैं अभी पेड़ों के साथ और लड़कियों के साथ नाच नहीं सकता लेकिन आई विल डू सम ग्रेट कैरेक्टर्स जैसे मेल गिब्सन करते हैं या डेंजिल वॉशिंगटन करते हैं तो उस किस्म के कैरेक्टर्स मैं करूँगा और जी रॉकी से लेके अब तक काफ़ी लंबी जर्नी रही है और सीखने को बहुत मिला है क्योंकि बहुत बड़े एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है और सीखने को बहुत मिला मुझे और क्या पूछा सर एक सवाल ये था कि क्या बाकी कई जैसे हिंदी सिनेमा के एक्टर्स नज़र आ रहे हैं मराठी फिल्मों में आप भी नज़र आएंगे बिल्कुल आऊँगा अगर ये जैसे डायरेक्टर अगर मेरे पास आए एक अच्छा रोल लेके तो बिल्कुल करूँगा मराठी सिनेमा क्यों नहीं अन्यता मैम आपसे पूछना चाहूंगा हाउ वॉज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस एज फिल्म इंडस्ट्री दिस ऑल्सो माइ फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ प्रोड्यूसर फॉर एनी अदर फिल्म बट मैं मराठी इन हिंदी सो अच्छी बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्शन का पूरा एक्सपीरियंस और ये मेरी फर्स्ट फिल्म एज अ प्रोड्यूसर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई चूज़ अ मराठी फिल्म बिकॉज जो रीजनल सिनेमा होती है बहुत अच्छा कंटेंट को आगे लाती है और आई थिंक बहुत रिसेप्टिव ऑडियंस होती है छोटी सिनेमा होती है छोटे सिंपल जैसे एज दिनी सेट के सिम्पलिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं तो आई आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट एंड या थैंक यू बाबा गोगल डाल दो गोगल हां दारे दा पीछे से क्लियर हो जाए बाबा बाबा समझो हां मैम ये क्लोज बाबा डाल दो ना गोगल डाल दो बाबा बाबा गोगल डाल दो गोगल हां दारे दा पीछे से

कंग्रेट्स बिकॉज मेरे ख्याल से आफ्टर दत्साब हु मेड याद एज अ फर्स्ट एवर वन एक्टर फिल्म यू व द क्रेडिट ऑफ मेकिंग ए मराठी फिल्म विथ इन सिक्सटी डेज ऑफ इट्स अनाउंसमेंट ये आइडिया कैसे आया ये ज्योति ये सब क्रेडिट यहाँ जो बगल में बैठे हैं ये इनको दिया जाता है बिकॉज रियली इन्होंने और इनकी टीम ने बहुत मेहनत की है फ्रॉम अभिजीत टू संदीप भार्गव एंड नताशा एंड एवरीबॉडी फ्रॉम संजय द प्रोडक्शन साइड सो आई थिंक दैट क्वेश्चन शुड बी आज टू हर रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़ सर रॉकी से लेकर अब तक आपका करियर जो है uh, काफ़ी ग्लोरियस रहा है आपने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं और बहुत कामयाब करियर रहा है लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पे आप आगे जाके हिंदी सिनेमा में किस तरह के रोल चुनना चाहते हैं किस तरह के रोल करना चाहते हैं ये जो इनिंग्स आप खेल रहे हैं और क्या आप आगे जाकर मराठी सिनेमा में भी नज़र आएंगे कभी क्योंकि कुछ ऐसे सितारे हैं हिंदी के जिन्होंने अभी अभी हाल ही में मराठी के फिल्में की हैं, जिनमें माधुरी दीक्षित का नाम भी है उन्होंने एक फिल्म अभी की थी तो क्या इस तरह का कोई इरादा है आपका कि आप भी काम करेंगे भैया सबसे पहले उम्र के हिसाब से का मतलब क्या है? नहीं नहीं, नहीं दाढ़ी थोड़ी सफेद हो गई क्योंकि कलोन लगाता था, था शेविंग के बाद में नहीं लेकिन सही कहा आपने कि मैं अभी पेड़ों के साथ और लड़कियों के साथ नाच नहीं सकता लेकिन आई विल डू सम ग्रेट कैरेक्टर्स जैसे मेल गिब्सन करते हैं या डेंजिल वॉशिंगटन करते हैं तो उस किस्म के कैरेक्टर्स uh, मैं करूँगा और जी रॉकी से लेकर अब तक काफ़ी लंबी जर्नी रही है और सीखने को बहुत मिला है क्योंकि बहुत बड़े एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है और सीखने को बहुत मिला मुझे और क्या पूछा सर uh, uh, एक सवाल यह था कि क्या बाकी uh, कई जैसे हिंदी सिनेमा के एक्टर्स नजर आ रहे हैं मराठी फिल्मों में आप भी नज़र आएंगे बिल्कुल अगर uh, ये जैसे अगर जैसे डायरेक्टर मेरे पास आए एक अच्छा रोल लेके तो बिल्कुल करूँगा मराठी सिनेमा <laughs> क्यों नहीं अन्यता मैम आपसे पूछना चाहूंगा योर फर्स्ट एक्सपीरियंस एज प्रोड्यूस इन मराठी फिल्म इंडस्ट्री दिस इज ऑल्सोरियंस एज ए प्रोड्यूसर फॉर एनी मला चांगली मराठी बोलायला येत नाही पण मी कोशिश करणार ओके बट आय थिंक आय स्पीक इन हिंदी सो अच्छी बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्शन का पूरा एक्सपीरियंस और ये मेरी फर्स्ट फिल्म एज अ प्रोड्यूसर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई चूज अ मराठी फिल्म बिकॉज़ जो रीजनल सिनेमा होती है बहुत अच्छा कंटेंट को आगे लाती है और आई थिंक बहुत रिसेप्टिव ऑडियंस होती है छोटी सिनेमा होती है छोटे सिंपल जैसे एज नेSaid के सिम्प्लीसिटी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं तो आई एम वेरी Glad that I'm associated with this project and uh, yeah थैंक यू। संजय सर बस आपके बोलने के हम बहुत देर से <laughs> वेट कर रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे हम सभी कि आपका इसके पीछे क्या विचार था अभी आपके दिल में क्या ख्याल है कैसे लगता है आपको आपकी पहली फिल्म हमें ये भावा का पूरा क्रिएशन तो ये टीम बैठी है और इसका थोड़ा बहुत सब्जेक्ट उनके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला हंड्रेड परसेंट ये करना चाहिए और बाकी आ, मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से जो मेन पिलर और स्ट्रेंथ है ये मेरे लाइफ में भी वही है लेकिन पिक्चर में भी यही है हम <laughs> तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वी आर एसोसिएटेड विथ सच अ गुड फिल्म सर आपने फिल्म के बारे में जब प्रमोट करना शुरू किया आपके ट्विटर हैंडल पे या सोशल मीडिया पे तब आपने सुनील दत्त साहब के साथ का आपका कनेक्शन उसके बारे में भी थोड़ा सा मेंशन किया था तो आ, उसका इस फिल्म के साथ बाबा का मतलब पिताजी तो ये कनेक्शन क्या मतलब आपने सोच के किया था या अपने आप हो गया नहीं मैंने सोच के नहीं किया था लेकिन बाबा बाबा ही होता है और बच्चे के लिए चाहे वो असली बच्चा हो या ना तो आई थिंक एक पिता का दर्जा एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर हर बच्चे के लिए मी मीडियाच्या प्रतिनिधींना विनंती करतो अगर आप में से आप कोई सवाल पूछना चाहे तो तो एंटायर कास्ट एंड मिस्टर संजय दत्त इज हिअर येस सर माईक आहे ताई तुला खूप पळावं लागेल का माईक इथून तिकडे जायला म्हणजे जा एक दहा मिनटं लागतील मराठी फिल्म कितने देखते है आप आप मराठी फिल्म कितने देखते मैं जितना भी देख सकता हूं देख लेता हूं अच्छा हाल ही में कौन सी देखी है <laughs> अच्छा हाल ही में देखी हुई फिल्म हा? हाल ही में मराठी फिल्म जो देखी है संजय सर संजय सर टू यू संजय सर टू यू एंड टीम कंग्रेचुलेशन बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म हमने ट्रेलर देखा बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म लग रही है मेरा आपसे सवाल ये वी यू आर नोन एज आर बाबा तो ये जो नाम का सजेशन था आपकी तरफ से था या ये नाम सुनने के बाद शायद आपने बोला कि वी हैव टू प्रोड्यूस दिस फिल्म व्हाट व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड द नेम द स्टोरी बिहाइंड द नेम इज द डायरेक्टर आई थिंक आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट बट आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड आई वाज वेरी हैप्पी के इट इज टाइटल्ड बाबा दीपक जी दीपक जी मेरा आपसे सवाल यहीं पे हाँ, यहीं पे सर इट्स लाइक हम आपको देख रहे लाइक नेवर बिफोर मतलब ऐसा कैरेक्टर हमने पहले कभी देखा नहीं एंड द वे यू हैव एक्टेड मतलब सिंस देयर इज नो डायलॉग तो उसमें और ज्यादा हार्ड वर्क लगता है सो डू यू थिंक दैट जो दर्द एक था जो आपके करियर में जो बॉलीवुड शायद पूरा नहीं कर पाया वो रीजनल सिनेमा में कर दिया व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं मतलब uh, मेरा बारह साल का काम पिछले बारह साल का काम एक तरफ और ये फिल्म एक तरफ और इसीलिए मैं मतलब मराठी सिनेमा का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि मुझे लगा कि अभी मेरा जन्म हुआ है इंडस्ट्री में मेंज ए प्रोड्यूसर्स यूटी एंटरटेनिंग दिसंगुल्स याल्ड ऑफ सिनेमा yes, content is very very important but also entertainers are very important Sanjay sir hi